हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रजत एंड फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अपनी वीडियो बनाई थी मैंने UPSRLM से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड अब एक नई बहुत अच्छी खुशखबरी आ गई है कि इसमें इन्होंने शॉर्टलिस्टेड की जो प्रक्रिया थी वो पूरी कर ली है और आज दोपहर को ही इसके शॉर्टलिस्ट के जो कैंडिडेट्स थे उसके रिजल्ट इन्होंने अनाउंस कर दिया शॉर्टलिस्टेड वाले। यानी कि अब इससे उम्मीद लगाई जा रही है कि अब इसमें जल्द ही कुछ ना कुछ रिटर्न टेस्ट की प्रक्रिया भी हो सकती है। और इसी के साथ इन्होंने एक नई वैकेंसी भी लगाई है इसमें, परंतु वह स्टेट लेवल की है। वो हम मतलब उसमें एक्सपीरियंस 10 साल का मांगा हुआ है। शॉर्टलिस्टेड का जो प्रोग्राम था उसमें अलग अलग तरीके से इन्होंने कैटेगरी वाइज जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं वो भी, जो शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाए हैं वो भी, जो शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाए हैं उनका रीज़न भी दिया हुआ है। देखो, ये अलग से जैसे इसमें दिखाया हुआ है, इनके सबके लिंक आपको क्लिक करने पड़ेंगे और इसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका नाम इसमें है या नहीं है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, जिसका भी, और देखो यहाँ पे एक इस पर क्लिक करने से ऊपर इसमें बनाया हुआ है, यहाँ पे अपना आप डाल सकते हो जिस भी पोस्ट के लिए आपने फार्म भरा था, और उसमें आप अपना डाल के यहाँ पे अपना आवेदन संख्या, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर डाल के भी यहाँ से भी रजिस्टर्ड कर सकते हो। जैसे मैंने भी फार्म भरा था BMM MIS वाला, तो मेरा भी शॉर्टलिस्ट हो गया है इसमें। तो इसमें फ्रेंड्स, अब आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, ये जो जिन्होंने फार्म भरा था, अब उनको चाहिए कि जिन्होंने फार्म भरा था, जिनका शॉर्टलिस्ट हो गया है, अब वे अपनी रिटर्न टेस्ट की तैयारी करें। बताता हूँ उसका, देखो नीचे गए यहाँ पे वेबसाइट के, और यहाँ पे ये है UPSRLM शॉर्टलिस्टेड एंड नॉट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, इस पर हमने क्लिक किया है। तो एक PDF में लेटर भी है इसका, ये भी मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। ये पहले डाउनलोड किया हुआ था तो दोबारा डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। PDF में एक अगर लेटर खुलता है तो इसको मैं बताता हूँ, उसके बारे में पढ़ के सुनाता हूँ उसमें क्या क्या है। ये देखो, ये लिखा हुआ है इसके अंदर, जैसे कि स्क्रीन पर चित्र आ रहा है आपको, 13/2/2020 को UPSRLM द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के द्वारा विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। ये इस तरह का क्लेटर हो गया जिसमें इसमें बताया गया है कि शॉर्टलिस्ट का प्रोग्राम हो चुका है इसमें, और उन उम्मीदवारों के बारे में बताया गया है जिनकी अगर वे पात्र थे और उनका शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाया है, तो वे 1 वीक के अंदर इनके मेल ID पर एक तरह से चैलेंज लेटर भी भेज सकते हैं, और उसमें उन्हें कोई चेंज नहीं करना है। मतलब अगर वे एलिजिबल थे और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है और उन्होंने फॉर्म में सही से चीज़ें भरी थी, तो वे चैलेंज के लिए भेज सकते हैं। मतलब कि उनको कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं भर के भेजनी होगी जो उन्होंने फॉर्म में नहीं भरा था, नहीं तो उसको कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जैसे उन्होंने बताया भी है कि चैलेंज के लिए क्या क्या है, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस, इसमें कुछ चेंज होना चाहिए। यानी कि ये चीज़ें सेम होनी चाहिए जो उन्होंने फार्म भरी थी, फार्म के टाइम भरा था। ये देखो, ये लेटर उसका आ गया है, ठीक है। और इसमें क्या है कि जिनका जो सिलेक्शन का है उसके लिए मैं बताता हूँ आपको। देखो यहाँ से गए नीचे, ये गया हुआ है, इस पर क्लिक किया हमने, और नीचे जो लिखा हुआ है अंतिम रूप से चयनित आवेदकों की सूची, चयनित हुए नहीं आवेदकों की सूची के लिए क्लिक करें, यहाँ पर हमने क्लिक किया हुआ है। ये तो हो गया उनका लिंक। अगर हम चाह रहे हैं कि हम अपना पर्टिकुलर चेक करें, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे चेक करेंगे हम। नीचे तो उनके लिए हो गया जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, इसमें ऊपर से एक लिंक है अपने आवेदन की स्थिति देखने के लिए, यहाँ क्लिक करें। जैसे मेरा सिलेक्शन हो गया है इसमें, मतलब शॉर्टलिस्टेड हो गया है, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे अपना डाल सकता हूँ, जैसे मैंने MIS का लिखा था, और तो यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत जल्दी, जैसे इसमें जो नया अभी जो नए एग्ज़ाम की डेट आई है गवर्नमेंट एग्ज़ाम, अगस्त में कंडक्ट हो जाएंगे, जो उम्मीद है शॉर्टलिस्टेड वाली प्रक्रिया होगी है, तो इसको देखते हुए लग रहा है अगस्त एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएंगे, उसी साल दिवाली या नवंबर तक इसमें जॉइनिंग प्रक्रिया हो जाएगी। तो बेस्ट ऑफ लक उनके लिए जिनका शॉर्टलिस्ट हो गया है, और सॉरी उनके लिए भी जिनका नहीं हो पाया है, उनका बेटर लक नेक्स्ट टाइम होगा। इसमें देखो, जैसे ये तो वो हो गया जिनका हो गया है, और एक नीचे ये भी है चयनित हुए आवेदकों, यानी कि जिनका नहीं हो पाया है, उसमें भी क्लिक करके रीज़न पता चल जाएगा उन्होंने फॉर्म भरते हुए गलती करी थी क्या क्या था। अब फ्रेंड, जिसका इसमें सिलेक्शन शॉर्टलिस्टेड हो गया है, वे अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें, साथ साथ डॉक्यूमेंट्स की भी तैयारी करें। जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने फार्म भरते वक्त लगाए थे, अब उन्हें उनकी जरूरत पड़ेगी उनको। चलो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में तो इतना ही, और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूँ आपके लिए।